कॉम्पोजिशन के फैसला करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो पोर्टफोलियो है उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन जो पोर्टफोलियो के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है उसके अंदर डिस्पर्शन या उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेसन क्या है तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज यू कैन एज यू नो कि जो रिस्क फ्री एसेट है आपने अपने पैसे के दो हिस्से किए हैं दो प्रपोॉर्शन में स्प्लिट किया है उसको एक पर आपने रिस्क की एसेट में डाला है एक पर वो है जो रिस्क फ्री एसेट में डाला है तो रिस्क फ्री एसेट का जो अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ जो वेरिएशन है रिस्क रिटर्न में वो है नहीं इसका मतलब है वहाँ स्टैंडर्डाविएशन की वैल्यू ज़ीरो है तो आपको वन माइनस डब्ल्यू की वेरिएशन को अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत ही नहीं है राइट वट बेसिकली आप पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न वो सिंपली आपने उस वो परपॉर्शन जो कि रिस्की एसेट में डाला है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके रिस्की एसेट की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन से तो आपके पास पोर्टफोलियो के रिटर्न की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन आ जाएगी इन अदर वर्ड्स इफ़ वी रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो बाय सिग्मा एंड सिकमा एस रिप्रजेंट्स द स्टैंडर्डिएशन ऑफ द रिटर्न फ्राम द रिस्की एसेट इसको हमने मल्टीप्लाई किया पर पॉर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने रिस्की एसेट में इन्वेस्ट किया है सिकमा एस को मल्टीप्लाई करने से डब्ल्यू के साथ आपके पास पोर्टफोलियो की स्टैंडर्डेविएशन आ जाएगी इफ़ यू आर थिंकिंग कि हमने इसमें रिस्क फ्री एसेट को काउंट फॉर नहीं किया तो मैंने अभी आपको बताया कि रिस्क फ्री एसेट में चूँकि वेरिएशन है नहीं उसका सिग्मा जीरो है इसलिए हम उसको इस फॉर्मूला में अकाउंट फॉर कर ही नहीं सकते ज़ीरो होने की वजह से ना आई वो टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर फोमूला यूजिंग सम एग्ज़ाम्पल डेटा सेट और उस पर हम एज्यूम करें जैसे हमने ये पुराना डेटा है जो हमें पिछली एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल किया था हमने वहाँ फैसला किया था कि हम अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट सा इन्वेस्ट करेंगे रिस्की एसेट में ताकि हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नौ फीसद मिल जाए अब हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कैसे निकाल सकते हैं हमने कहा कि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द रिस्की एसेट में फ्लैक्चुएशन चल रहे थे वो हमने नापे थे देवर नॉट पॉइंट टू या जीरो पॉइंट टू उसका सिग्मा एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दर इसकी एसेट्स रिटर्न वॉज जीरो टू अब इस जीरो पॉइंट टू को आप ये डब्ल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेशन आ जाएगा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन का, का मतलब है कि ऑन एवरेज पूरे पोर्टफोलियो की जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें अपने मीन के से वेरिएशन होने की क्या चांसेस है वॉट इज द एक्सटेंट टू विच ऑन एवरेज

स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव होगी दिस इज वॉट इट इज इट्स ईजी वंस यू हैव कैलकुलेटेड द स्टैंडर्डियशन ऑफ द पोर्टफोलियो द नेक्स्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज टू पुट दिस इक्वलन टू रिलेट करना है स्टैंडर्ड एविये को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से और वो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने कहा कि वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो कि डब्ल्यू सिकमा एस को सिकमा के साथ में रिलेट कर रहा है हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न की हमने इक्वेशन डी की थी जिसको हमने रेट ऑफ़ लाइन के लिए फॉर्मूला अभी बोला था उस ये वो पर्टिकुलर चीज़ है इसमें अगर आप इसको W के लिए सिम्प्लीफाई कर लें और W की जगह पे आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से W की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी इट विल बी सिग्मा ओवर सिग्मा एस ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ लिखा हुआ है सो so, W इज सिंपली द रेशियो ऑफ सिग्मा टू सिग्मा S सिग्मा इज द पोर्टफोलियो का स्टैंडर्डाविएशन सिकमा एस इज द एविएशन ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द रिस्की इस की मदद से हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में W की टर्म्स को आहदा कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन आई यही वाली ऊपर वाली सॉल्व करके मैंने भी थोड़ी देर पहले इसको सोल्व किया था आपके लिए इसमें आप देख सकते हो देट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज रिस्क रिटर्न प्लस डब्ल्यू टाइम्स द रिस्क प्रीमियम विच इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द रिस्की एसेट माइनस द रिस्क्री एसेट अब डब्ल्यू की वैल्यू हमने सिकमा ओवर सिकमा इसमें प्लक कर दी तो अभी क्या होगा मैंने भी आपको बोला था कि वॉट वी आर गोइन टू डू इज इन द एंड सबसे अहम बात जो है वो क्या है आपने पहले एलोकेशन करनी है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा का मतलब है डब्ल्यू की वैल्यू डिसाइड करनी है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यूज हमने निकाली थी पहले अब जब आपके पास प्रोपॉर्शन पता चल गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न पता चल गया पूरे पोर्टफोलियो का फिर आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन निकालना है स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के बाद आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन को रिलेट करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ सिग्मा को सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो को रिलेट करना है और रिलेट करने के लिए हमने क्या किया हमने डब्ल्यू की जगह पे सिग्मा ओवर सिग्मा एस की वैल्यू को प्लग कर दिया और इसको हमने सिम्प्लीफाई कराया तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया डब्ल्यू की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की तो आपके पास नाउ यू कैन पुट इट आप सिग्मा के टर्म्स में डब्ल्यू को निकाल के सिग्मा के टर्म्स में आप अपनी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न ऑफ़ द पोर्टफोलियो की क्वेश्चन को लिख सकते हैं विच इज़ नाओ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय सिग्मा एज मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन

उसको हम रिस्क फ्री रिस्क एसेट के स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक रेशो आती है जिसको हम बोलते हैं शाप रेशो सो so, शाप रेशो को हम रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशो भी बोलते हैं अब रिवॉर्ड टू वोटिलिटी रेशो का क्या मतलब है कि जो न्यूमरेटर में है पड़ा हुआ ये आपका रिवॉर्ड है रिवॉर्ड किस चीज़ का है रिस्क लेने का रिवॉर्ड राइट तो रिवॉर्ड और उसके नीचे आप वेरिएशन को डिवाइड कर रहे हो कि क्या वेरिएबिलिटी आ सकती है इस रिवॉर्ड में तो हमने शार्प रेशो को डिफाइन किया एज द रेशो बिटवीन द रिवॉर्ड विच इज़ द रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय रिस्क लेने का प्रीमियम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉलिटिलिटी एंड दैट इज सिंपली द स्टैंडर्डिएशन ऑफ द पोर्टफोलियो एक्सेस रिटर्न आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को फर्दर डिलीबरेट किया इसके ऊपर गौर किया तो आपको वहाँ से एक और इंपॉर्टेंट अहम कॉन्सेप्ट देखने को मिला है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल सपोज हम इस्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो रिस्क फ्री एसेट है उसका रिटर्न आर एफ इज गिवन एज सिक्स परसेंट और रिस्की एसेट की स्टैंडर्डिएशन इज जीरो पॉइंट टू हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द रिस्की एसेट माइनस रिस्क फ्री एसेट यानी कि रिस्क प्रीमियम आपको क्या मिल रहा है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो एट इन सारी इंफॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेट कर दें अगर उस फॉर्मूला में जो कि हमने डेवलप किया था जो कि रिलेट कर रहा है शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो को और पोर्टफोलियो की डेविएशन की रिलेशनशिप को शो करने वाले फॉर्मूला में हमने ये इन्फॉर्मेशन प्लग की तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 0.06 प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट डिवाइड बाई जीरो जीरो पॉइंट फोर विच यू नो टाइम सिगमा सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज अ न्यू इक्वेशन जो कि ट्रेड लाइन ट्रेड ऑफ लाइन को एक्सप्लेन कर रही है और वो बताती है कि आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट जो ऑफर कर रही है आपको हर एक एक्स्ट्रा रिस्क के यूनिट को लेने से आपको क्या एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आपको ये अंदाजा हो रहा है सो व्हेन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू कैन सी दैट एक एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क को बढ़ाने से आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी इंक्रीज करेगी दैट कैन बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप विच यू कैन सी सो वी गॉट एन अदर इक्वे विच प्रीवियसली हमारा जो इक्वेशन हमने डिफाइन किया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को वो हमारा W के टर्म्स में था वो प्रोपोर्शन के टर्म्स में था इफ़ यू नो हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द रिस्की एसेट तो फिर आप एक और नई इक्वेशन को भी डेवलप कर सकते हैं जो कि रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को एक्सप्लेन कर सकती है और उसके लिए आप शार्प रेशो को डिफाइन करेंगे अपनी वैल्यूज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यू विल बी एबल टू कम अप विद एन इक्वेशन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न तो ये आपको बताएगी कि एक एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिस्क के ऊपर आप अगर जा रहे हैं तो फिर आपको उससे ऑन एवरेज क्या आपके रिटर्न में इजाफा होने वाला है सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी हैव टू कंसिडर या जो भी आपके एक्सपर्ट प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स हैं वो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फॉर करके आपको पोर्टफोलियोज सजेस्ट करते हैं